विधानसभा सीट गुमला एसटी। झारखंड की 81 सीट में से गुमला सीट पर बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सीधी टक्कर का इतिहास रहा है। एसटी के लिए आरक्षित उस सीट की अपनी खास अहमियत है, क्योंकि झारखंड का एक जिला होने की वजह से गुमला का अपना महत्व है। गुमला विधानसभा सीट लोहरदगा लोकसभा सीट के तहत आता है। पहली बार गुमला सीट पर विधानसभा चुनाव 2005 में कराया गया था। 2005 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के भूषण तिर्की ने जीत हासिल की थी। वहीं 2009 के विधानसभा चुनाव में गुमला सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था, जबकि 2014 के विधानसभा चुनाव में भी गुमला सीट पर बीजेपी ने कब्जा बरकरार रखा। बीजेपी के टिकट पर 2014 में शिवशंकर उरांव ने जीत हासिल की थी। गौरतलब है कि 1983 को रांची से अलग करके गुमला जिले का गठन किया गया था। 2014 के आंकड़ों के मुताबिक गुमला विधानसभा सीट की कुल आबादी 218,475 है। इसमें से पुरुष मतदाता की कुल आबादी 110,191 थी, वहीं महिला मतदाता की संख्या 108,284 है। अगर गुमला सीट की बात करें तो यहां से दो बार बीजेपी ने जीत हासिल की है। 2014 में बीजेपी के कैंडिडेट शिवशंकर उरांव ने जीत हासिल की थी। शिवशंकर उरांव ने 50,473 वोट हासिल किए थे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट भूषण तिर्की ने 46,441 वोट हासिल किए थे। इस तरह से शिवशंकर उरांव ने भूषण तिर्की को 4,000 से ज्यादा वोट से हराया। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट विनोद महज 12,847 वोट हासिल कर पाए थे। वहीं 2009 के विधानसभा चुनाव में गुमला सीट से बीजेपी कैंडिडेट कमलेश उरांव ने जीत हासिल की थी। कमलेश उरांव ने 39,555 वोट हासिल किए थे। वहीं झामुमो कैंडिडेट भूषण तिर्की को 27,468 वोट मिले थे, यानी बीजेपी कैंडिडेट कमलेश उरांव ने झामुमो कैंडिडेट भूषण तिर्की को 12,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया था। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट जॉय फ्रेडरी को 21,329 वोट ही मिल पाए थे। दो हजार पांच के विधानसभा चुनाव में गुमला सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के भूषण तिर्की ने जीत हासिल की थी। भूषण तिर्की को कुल 36,266 वोट मिले थे। बीजेपी कैंडिडेट सुदर्शन भगत को 35,397 वोट मिले थे। 869 वोटों की मामूली मार्जिन से झामुमो के भूषण तिर्की ने बीजेपी कैंडिडेट सुदर्शन भगत को मात देने में कामयाबी हासिल की थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में गुमला सीट से बीजेपी ने मिशिर कुजुर को टिकट दिया है, तो झामुमो ने चौथी बार भूषण तिर्की पर ही भरोसा जताया। भूषण तिर्की को गुमला सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने राजनील तिग्गा पर भरोसा जताया है। साफ है कि बीजेपी ने किसी भी एक कैंडिडेट को गुमला सीट पर रिपीट नहीं किया। 2005 में बीजेपी ने जहां सुदर्शन भगत को टिकट दिया था, 2009 में कमलेश उरांव को टिकट दिया था, वहीं 2014 में शिवशंकर उरांव को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा। 2019 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इसी ट्रेंड को बरकरार रखते हुए मिशिर कुजूर को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी के बिल्कुल उलट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गुमला सीट से हमेशा एक ही कैंडिडेट पर भरोसा जताया। यही वजह है कि झामुमो ने लगातार चौथी बार भूषण तिर्की को चुनावी मैदान में उतार दिया है। झारखंड विकास मोर्चा ने राजनील तिग्गा के हाथ में कंघी थमा दी है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि कौन सी पार्टी किसको मात दे पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।